A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here. I hope you guys must be enjoying all my videos. Up till now, I have given you non-stop videos regarding English language. So basically, being a English language instructor and your trainer, this is my responsibility that I have to give you different kind of topic regarding English and related to English. I hope you are going to like this video, and not only you will like, but also you are going to share with all the friends and all the, you know what may call it, your loved men in dear and near one. So here we go. I should start it, but शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आज का लेक्चर आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है, जो सिलेक्ट किया है, इट्स गोइंग टू बी वेरी हैंडी फॉर द स्टूडेंट हु वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ख़ास तौर से मेरी ये कोशिश रहती है कि ऐसे टॉपिक आपको दूँ जिसमें आपको आसानी हो और आप आसानी से चीज़ें सीख लें. तो आज की लर्निंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बींग आ टीचर, मेरी कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐसे टॉपिक दूँ जिसको बहुत ज़्यादा रोज़ाना की बुनियाद पर बोला जाता है. तो आज का टॉपिक भी कुछ यूं ही है जैसे कि मेरे प्रीवियस टॉपिक होते हैं, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले स्ट्रक्चर्स या जुमले या वर्ड जो भी बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ. तो आज का टॉपिक भी इसी तरह से है जो मैं आपके लिए लाया हूँ. आप मेरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. आज का टॉपिक है बेसिकली, आई हैव ब्रॉट टू यू, द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट हैबिचुअल ऑफ. अच्छा, हैबिचुअल ऑफ भी है, हैबिचुअल टू भी है. तो टॉपिक का मकसद ये है कि इसको मैंने जो यूज़ करना है जुमले में, उसको आपको गौर से सुनना है कि कैसे यूज़ करना है, और इसका इस्तेमाल बहुत आसान है. लिहाजा इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. अच्छा जी, चले अब शुरू करते हैं टॉपिक आज का, जो कि हैबिचुअल ऑफ है और हैबिचुअल टू है. तो पहले हम शुरू करते हैं हैबिचुअल ऑफ. अगर लेट्स सपोज मैं जुमले में हैबिचुअल ऑफ का इस्तेमाल करूं तो कैसे किया जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू यूज हैबिचुअल ऑफ इन सेंटेंसेस. तो मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल और मिसालें दूंगा, बहुत इजी हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल है, और रोज़ाना की बुनियाद पे ये वर्ड बहुत ज़्यादा बोला जाता है, बहुत कॉमन सा वर्ड है, लेकिन इसको बोलने का एक तरीका है जिसको आपको फॉलो करना है. जैसे अगर लेट्स सपोज मैं बात करूँ कि मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, लेट्स सपोज मैंने बात की कि मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, मैं इस तरह बोलूँगा, आई एम हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि मैं बिरयानी खाने का शौकीन या आदी हूँ, वैसे तो शौकीन के लिए हम कोई और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आदी हूँ, आदत है ना बिरयानी खाने की, उसको आदत है, आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग बिरयानी. देखें कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बना. इसी तरह ये अगर आप लेट सपोज ये बोलें कि मैं आइसक्रीम खाने का आदी हूँ, आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग आइसक्रीम. देखें तीन जुमले आपको समझाए गए और आपने इनको बखूबी समझ लिया होगा कि यू आर हैबिचुएटेड, कि आप आदि हैं किसी भी चीज़ को खाने के, यानी किसी भी चीज़ के आदि हो सकते हैं. आई एम हैबिचुअल ऑफ साइकिलिंग, साइकिल चलाने का आदि हूँ. आई एम हैबिचुअल ऑफ ड्राइविंग द कार, मैं कार चलाने का आदि हूँ. आई एम हैबिचुअल ऑफ ईटिंग स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ खाने का आदि हूँ. तो यानी ये बहुत आसान जुमले हैं, इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए. इसी तरह नेक्स्ट सेगमेंट हैबिचुअल का, हैबिचुअल टू भी है. अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. उसमें क्या लगा रहे थे हम, उसमें हम क्या कर रहे थे, आई एम हैबिचुअल ऑफ के बाद जरन फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे थे, लेकिन हैबिचुअल टू जब आ जाएगा, जब टू आ जाता है, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में जब वर्ब से पहले टू आ जाता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है. तो आज हम इसको, पहले हमने जेरन फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल किया, अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे यानी टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब से पहले जब टू आ जाए तो वो टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है. तो लिहाजा उसमें हम इस्तेमाल करेंगे. मैं उसके भी आपको चंद एग्जांपल्स दूंगा. आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो, और इसको आप दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और सीखने के बाद दूसरों के हेल्प आउट भी करेंगे. तो नेक्स्ट जुमला मैं बनाता हूँ वो कुछ इस तरह है,
आई एम हैबिचुअल टू गो मार्केट, यानी रोज़ाना जाता हूँ, मेरी आदत है। आई एम हैबिचुअल टू गो टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जाने का आदि हूँ, ठीक है ना। आई एम हैबिचुअल टू गो टू मार्केट, यानी मैं मार्केट जाने का आदि हूँ। इसी तरह लेट सपोज अगर मैं बोलूँ आई एम हैबिचुअल टू कुक फूड, यानी मैं खाना पकाने का आदि हूँ, ये जुमला भी इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी हैबिचुअल ऑफ इस्तेमाल भी किया जा सकता है और हैबिचुअल टू, आई एम हैबिचुअल टू डू दिस, मैं ये करने का आदि हूँ, यू नो। अच्छा अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मूवीज़ देखने का बड़ा शौकीन हूँ, मूवी देखता ज़रूर, मुझे बड़ा शौक है। आई एम हैबिचुअल टू वॉच एवरी न्यू मूवी, आई एम हैबिचुअल टू वॉच एवरी न्यू मूवी। तो देखें हैबिचुअल का इस्तेमाल आप ऑफ के साथ भी कर सकते हैं, जहाँ ऑफ के साथ जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्ब की आई एन जी फॉर्म, जिसे हम जरन फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, उसके साथ कर रहे हैं। और उसके अलावा जहाँ पर भी वर्ब से पहले टू आ जाए तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है, वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये लेक्चर बहुत ज़्यादा यूनिक लेक्चर रहेगा आपके लिए, और आप इसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और दूसरों तक भी ये बात पहुँचा सकते हैं। यू विल हैव टू ट्रांसफ्यूज़ योर नॉलेज टू एवरीवन, यानी कहने का मकसद ये अपनी नॉलेज दूसरों तक मुंतकिल करना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरे इल्म में जो कुछ भी है आपको प्रोवाइड करूँ, आप उसको आगे प्रोवाइड करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि नॉलेज बढ़ती चली जाए और लोगों के इल्म में इजाफा हो। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसका, हैबिचुअल टू का। शी इज़ हैबिचुअल टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वो आदी है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें खाने की। इसी तरह अगर मैं ये बोलूँ कि मैं जो है वो, यानी इस हैबिचुअल का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से किया जा सकता है, तो ये आपको आज आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से इस्तेमाल किया गया, यानी ऑफ के साथ भी इसको इस्तेमाल किया गया और टू के साथ भी इसको इस्तेमाल किया गया। मैं आदी हूँ नए मोबाइल यूज़ करने का, मोबाइल्स का बड़ा फैशन है आजकल, आपको पता है हमारे यहाँ। तो यू नो आई एम हैबिचुअल टू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसी तरह आई एम हैबिचुअल ऑफ यूजिंग भी हो सकता है, आई एम हैबिचुअल टू गो देयर, आई एम हैबिचुअल टू वॉच मूवीज, आई एम हैबिचुअल टू यू नो कुक फूड माई सेल्फ, मैं खुद खाना पकाने का आदी हूँ। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये वीडियो आपने लाइक ज़रूर किया होगा, क्योंकि हैबिचुअल ऑफ और हैबिचुअल टू, आई एम हैबिचुअल टू, आई एम हैबिचुअल ऑफ, ये जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान है। कहीं पर इसके साथ जरन फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, और कहीं पर टू इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जहाँ पर भी वर्ब से पहले टू आ जाएगा वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। तो आज मैंने आपको इसका यूटिलाइजेशन, यानी कहने का मकसद ही इसको यूज़ करने का तरीका बताया कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है। आई होप यू वुड हैव लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई चैनल। And if let's suppose any problem you are having, you can share with me, so as I could be able to give you feedback and not only ask me question but also give me some tips regarding my videos, so as I could be able to come up with the improvement. Basically everybody wants to improve, so just like that I also wanna improve myself, because you are my student, you are my viewer, you are my YouTube family. This is my YouTube channel. That's why exactly whatever suggestion you are going to give me, I am going to, what should I say that? Accept your suggestion, and I will try my level best that I have to come up to your expectation at any cost. ताके ये ना हो कि आप ये समझें कि मैं जो हूँ basically being a teacher, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को जो मुझे लाइक करते हैं, जो मेरी वीडियोस को शेयर करते हैं, वो जो है वो बेसिकली मैं एक पॉजिटिव रिस्पांस दूं, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहे कि मैं अपने व्यूवर्स को पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश करूं अकॉर्डिंग टू माय लेक्चर। जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो अपने स्टूडेंट को या अपने व्यूवर्स को, अपने चाहने वालों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ताकि उससे आप
बेहतर नॉलेज भी हासिल कर सकें और मेरी वीडियोस को जब आप शेयर करें किसी के साथ तो वहाँ पर भी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि भाई द वे ही हैज़ टॉट, जिस तरह इन्होंने पढ़ाया है, आई थिंक इट्स आउटस्टैंडिंग। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे आपकी एप्रिसिएशन चाहिए और मेरी ये ख्वाहिश रहेगी कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, इसी तरह मुझे मोहब्बत और प्यार देते रहें जिस तरह अब तक आपने दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आई एम वेरी थैंकफुल टू रेस्ट ऑफ यू गाइज द वे यू हैव सपोर्टेड मी एंड द वे एग्जैक्टली यू हैव गिवन मी फीडबैक। हेयर आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई वीडियो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। Ciao.